हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन टेक पॉइंट। तो अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के दो नए अपडेट जो कि अभी बीटा वर्जन में है। अगर आपको अभी यूज़ करने हैं तो आपको बीटा यूजर बनना पड़ेगा व्हाट्सएप का। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों वो व्हाट्सएप अपडेट क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बीटा यूजर हूँ मैं ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने वो स्टेट जो भी नए अपडेट आए हैं उन्हें मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो दो अपडेट हैं वो क्या हैं। मैं अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ, व्हाट्सएप खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपने डायरेक्टली हम GIF फाइल को व्हाट्सएप से ही कर सकते हैं सेंड, जैसे कि हम पहले करते थे। पहले हमें ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता था, तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमारे कीबोर्ड के लिए यहाँ पे हमें जो इमोजी का साइन मिलता है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे दिख जाएगा, यहाँ पे पहले सिर्फ एक ऑप्शन मिलता था इमोजी का, अभी दूसरा राइट साइड में हमें GIF का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे हम GIF फाइल पर क्लिक करेंगे, उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें इसमें ऑप्शन मिल जाता है GIF को सर्च करने का। तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्टली राइट फ्रॉम दी व्हाट्सएप से ही GIF सेंड कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये हो गया पहला अपडेट। दूसरा अपडेट क्या है कि अभी हम फिर से एक बार व्हाट्सएप में कर सकते हैं स्टेटस को अपडेट, वो भी टेक्स्ट के रूप में, क्योंकि बीच में अभी हम अपनी टेक्स्ट जो हमारा अबाउट होता था वो टेक्स्ट के रूप में नहीं लिख पाते थे, उन्हें हम अपनी फ़ोटो या फिर वीडियोज़ वगैरह में GIF फाइल लगाते थे। उसके लिए अब टेक्स्ट दोबारा से करना है हमें स्टेटस अपडेट। तो उसके लिए हमें जाना अपनी सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है अपनी प्रोफाइल का, और प्रोफाइल में जाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है अबाउट एंड फ़ोन नंबर करके। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे आपको फिर से वो ऑप्शन मिल जाते हैं अबाउट के व्हाट्सएप में अपना स्टेटस अपडेट करने के लिए, कि आप अवेलेबल बिजी एट स्कूल क्या दिखाना चाहते हैं, या फिर यहाँ से क्लिक करके आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने अबाउट के बारे में। तो ये थे दो व्हाट्सएप के नए अपडेट। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट्सएप का बीटा वर्जन क्या है, और उसके लिए हमें चलना पड़ेगा व्हाट्सएप अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर जाने पर अब व्हाट्सएप मैसेंजर सर्च कीजिए, उसके बाद आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे व्हाट्सएप मैसेंजर के नीचे बीटा यूजर लिखा हुआ है, यानी कि मैं बीटा टेस्टर हूँ, बीटा यूजर हूँ। यानी अब बीटा टेस्टर होता क्या है कि जब भी कोई व्हाट्सएप की नई अपडेट आती है तो वो पहले उसे बीटा टेस्टर में डालते हैं, यानी कि पहले उसे टेस्ट करने के लिए डालते हैं। अगर आप इसका बीटा यूजर हैं तो उन सारी कमिंग सून वाले अपडेट्स को आप पहले ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इसके लिए बीटा टेस्टर जरूर बन जाइए आने वाले एप्लीकेशन को, अगर आप एडवांस में अपडेट पाना चाहते हैं। और बीटा टेस्टर कैसे करते हैं, उसके अलावा ये होता क्या है, इसकी जानकारी के लिए आपको नीचे एक वीडियो का लिंक का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया है कि बीटा टेस्टर क्या है और आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलूंगा मैं आपको व्हाट्सएप के नए अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।